हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल लखन। दिस इज़ लखन एंड हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कीबोर्ड कीज एंड दियर फंक्शन। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो कीबोर्ड में जो पहली रो होती है उसमें फर्स्ट की होती है ESC, इसका पूरा नाम होता है एस्केप की। इसका उपयोग किसी भी फंक्शन को या प्रोग्राम को इमीडिएटली क्लोज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद सेकंड आती है F1। F1 का यूज किसी भी प्रोग्राम में हेल्प स्क्रीन को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आती है F2। F2 का उपयोग फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आती है F3। F3 का उपयोग किसी भी एप्लीकेशन में सर्च फीचर को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है F4। F4 का उपयोग Alt के साथ करने पर कोई भी प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। इसके बाद आता है F5। F5 का उपयोग रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है, जो कि विंडो की डेस्कटॉप साइट पर काम करता है फर्स्ट में। इसके बाद आते हैं F6। F6 का उपयोग ब्राउज़र में एड्रेस बार पर कर्सर को लाने के लिए किया जाता है। इसके बाद F7 की आती है। F7 की का उपयोग MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद F8 की आती है। F8 की का उपयोग कंप्यूटर को ऑन करते टाइम बूट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद F9। F9 का उपयोग MS वर्ड में रिफ्रेश और MS आउटलुक में सेंड और रिसीव करने के लिए, फाइल को सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आती है F10। F10 का उपयोग किसी भी एप्लीकेशन के मेनू बार में जाने के लिए F10 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद F11। F11 का यूज ब्राउज़र को फुल स्क्रीन में करने के लिए किया जाता है। एंड लास्ट है F12। F12 का उपयोग MS वर्ड में सेवेज कमांड ओपन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद इस रो में तीन और बच जाती हैं कीज, जो कि PS, SL और PB है। इनमें PS प्रिंट स्क्रीन होती है, जो किसी भी स्क्रीन को प्रिंट करने काम आती है। SL स्क्रॉल लॉक होता है और PB पॉज एंड ब्रेक होता है। तो फाइनली दोस्तों, इस तरह आपने देखा कि कीबोर्ड की फर्स्ट की में कौन कौन सी की होती हैं, उनका क्या क्या यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इनके नीचे वाली रो के बारे में देखेंगे कि इनमें कौन कौन से स्पेशल करेक्टर्स हैं इनके बारे में और इनका यूज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।